दुनिया में ऐसे स्थानों की कमी नहीं है जो कि किन्हीं कारणों से डरावनी और शापित मानी जाती है। इनमें से तो कई विश्व प्रसिद्ध इमारतें हैं जहां पर असाधारण रूप से ताकतवर लोग रहते हैं, लेकिन यहां पर रहने वाले लोगों को इन इमारतों में मौजूद पारलौकिक शक्तियों का आभास हुआ है। कुछ लोगों को तो ऐसे लोग सजीव हालत में दिखे जो कि काफी समय पहले मर चुके थे। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही स्थानों के बारे में जिन्हें शापित माना जाता है। नंबर 1, व्हाइट हाउस। दुनिया के ऐसे ही स्थानों में अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान व्हाइट हाउस को भी गिना जाता है। सभी जानते हैं कि इस भवन में अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। वरन इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति जॉन एडम्स की आत्मा आज भी यहीं रहती है। विदित हो कि एडम्स ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहुत से लोगों ने यहाँ अक्सर ऐसे बूढ़े व्यक्ति को घूमते हुए देखा है जो एक ही नजर में आँखों से ओझल हो जाते हैं। कुछ लोग इस बूढ़ी परछाई को अब्राहम लिंकन की आत्मा कहते हैं, लेकिन इस परछाई के पहनावे और व्यवहार से इसे जॉन एडम्स का ही प्रेत कहा जाता है। नंबर 2, द सूनर होटल। इंग्लैंड में विश्व का सबसे पुराना और सबसे भूतहा स्थान है। इस होटल में किंग जॉर्ज तृतीय और प्रसिद्ध लेखक चार्ल्स डिकेंस रुकते थे। उन्हें यहाँ ठहरना पसंद था और आज भी यह होटल हर आम खास के लिए पूरी रात खुला रहता है। लेकिन अगर आपको यहाँ ठहरना है तो यह आपको अपने जोखिम पर ठहरना होगा। ब्रिटेन की एक पैरानॉर्मल सोसाइटी का दावा है कि यहाँ प्रेत आत्माएं अपनी संख्या में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुकी है कि उनके साथ समीपता रखना इंसानों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। कहा जाता है कि इस होटल के कमरे 17 नंबर और 28 नंबर बेहद खौफनाक है क्योंकि इनमें ठहरने वाले कोई भी व्यक्ति अपनी जान नहीं बचा सका है। नंबर 3, लालोरी हाउस। अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस लुसियाना में सन 1800 के शुरुआती दौर में इस घर में मैडम लालोरी रहा करती थी। कहा जाता है कि दुनिया के सामने वह एक बहुत अच्छी महिला के तौर पे पेश आती थी, लेकिन पीठ पीछे वह अपने गुलामों और नौकरों के साथ बहुत बुरा और अमानवीय सलूक किया करती थी। कहते हैं कि एक रात उनके एक गुलाम ने उनके घर में आग लगा दी जिसमें जलकर लालोरी की मौत हो गई। लेकिन उनकी आत्मा आज भी इसी इमारत में भटकती है जो कि एक होटल बन गया है। उसकी आत्मा होटल में आने वाले लोगों को डराती है। लोगों ने कई बार वहाँ अजीब सी आवाजें सुनी है जो सुनने में बेहद डरावनी होती है। नंबर 4, द टावर ऑफ लंदन, इंग्लैंड। एक समय था जब इस जगह इंग्लैंड की खतरनाक कुख्यात हस्तियों को बंदी बनाकर रखा जाता था, जिनमें से कई बंधकों के सिर काट दिए गए और कई बंधकों को फांसी पर लटका दिया गया। उन्हीं मृत बंधकों की खतरनाक आत्माएं आज यहां भटकती हैं और आने जाने वाले हर व्यक्ति को परेशान करती है। लोगों ने कई बार यहां दर्द से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी है और कटे सिर वाले शरीर को घूमते हुए भी देखा है। नंबर 5, यूनियन सिमेट्री कब्रिस्तान, कनेक्टिकट। अमेरिका में कनेक्टिकल के पास ईस्टर्न के स्टेपनी रोड पर एक सामुदायिक कब्रगाह है जो कनेक्टिकट के साथ साथ पूरे अमेरिका में सबसे डरावने कब्रगाह के रूप में जाना जाता है। इस कब्रिस्तान को सफेद पुतनी या व्हाइट लेडी के चलते जाना जाता है। इसके बारे में कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने उसकी तस्वीरें भी उतारी हैं। लोगों के अनुसार उसके काफी लंबे बाल हैं और वह हमेशा एक लबादे के जैसा गाउन पहने रहती है। उसे अक्सर ही बीच सड़क पर देखा जाता है जहां वे गाड़ियों के टकराती सी दिखती है, मगर फिर भी वह लोगों को सही सलामत दिखती है। इस कब्रगाह को रात के दौरान बंद रखा जाता है। इस कब्रिस्तान के बारे में पैरानॉर्मल गतिविधियों के जानकारों का कहना है कि यहां दिन के समय भी विचित्र अनुभव होते हैं। नंबर 6, द वेली हाउस, सैन डिएगो। यह भी अमेरिका की एक भूतहा इमारत है और जब से ही वेली परिवार के लोगों की इसमें रहस्यमय मौतें हुई हैं, तब से ही इस वेली को लेकर न जाने कैसी कैसी कहानियां कहीं और सुनी जा रही हैं। यहां आने वालों ने यहां बगीचे में भूत देखने की बातें स्वीकारी हैं और उनका कहना है कि उन्होंने वेली की आत्मा को वहां के पार्लर में देखा है। इस इमारत को 1857 में थॉमस वेली ने बनवाया था और उनका
उनका परिवार इसमें रहता था, जो कि अब एक संग्रहालय बन गया है। यहाँ एक लड़की जिसे लोग थॉमस वेली की परपोती बताते हैं, जो जहर पी कर खुदकुशी कर ली थी। यहाँ आने वाले बताते हैं कि रेनॉल्ड नामक एक लड़की लोगों का हाथ पकड़कर पूरी हवेली घूमती है। यह इमारत अपने समय में पुराने शहर की एक क्लासिक इमारत मानी जाती थी। नंबर 7, रायन हस हॉल, नॉरफोक इंग्लैंड। रायन हस हॉल नॉरफोक इंग्लैंड में एक कंट्री हाउस है, जिस पर लगभग 300 लोगों ने टाउन स्टैंड फैमिली का कब्जा रहा है। इस हवेली को पूरे इलाके में भूतहा घोषित कर दिया गया है। यहाँ खींची गई एक तस्वीर जिसमें एक औरत को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा गया है, जो भूतों की सबसे जबरदस्त तस्वीरों में शुमार किया जाता है। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि इस तस्वीर के बाद फिर इस औरत को कभी नहीं देखा जा सका। नंबर 8, पिकेंस काउंटी कोर्ट हाउस, अलबामा। अमेरिका में कार्लटन के पिकेंस काउंटी कोर्ट हाउस, अलबामा कोर्ट हाउस की खिड़की पर भूतहा छवि दिखती है। लोग कहते हैं कि यह छवि हेनरी वेल्स की है, जिसे पिछले कोर्ट हाउस में आग लगाने के गलत आरोप पर भीड़ द्वारा सन 1878 की एक तूफानी रात में मार दिया गया था। कहा जाता है कि आज भी वेल्स की इमेज इस कोर्ट हाउस की खिड़कियों पर दिखती है, और इस कारण से इसे सिर्फ बाहर से ही देखा जा सकता है, जिसे देखने दिखलाने के लिए विशेष तौर पर संकेतक लगे हैं, और नजदीक से देखने के लिए यहाँ विशेष चश्मे भी लगे हुए हैं। नंबर 9, विलर्ड पागलखाना। विलर्ड न्यूआ के इस पागलखाने को 1869 में बनवाया गया था, और वर्ष 1995 में इसे बंद कर दिया गया था। किसी दौर में यहाँ लगभग 4000 मरीज रहा करते थे, और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 50,000 मरीजों की मौत इसकी चार दीवारों के भीतर हुई है। यह बात इस बंद हो चुके पागलखाने को और भी डरावनी बनाती है। हालांकि इसके बंद होने पर यहां रह रहे मरीजों को वापस भेज दिया गया, मगर इससे पहले तो यहां से मरीजों की सिर्फ लाश ही जाया करती थी। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।